और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पेश होंगे। वहीं बता दें कि 1500 विद्यार्थी और कर्मचारियों का यहाँ सम्मान किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, विकास को आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, वही समाज को एक दिशा देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रहित में हमारी सरकार काम कर रही है, सीएम का बड़ा ऐलान। तो वहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर खास ध्यान किया जा रहा है। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बातें पेश करी हैं। प्रतिभाओं का सम्मान से ही सभी को प्रेरणा मिलती है। संबोधन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की अहम यहाँ पर बात, वहीं राष्ट्र समाज की मजबूती के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। वहीं अगले 5 साल से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बड़ा आश्वासन सीएम का। राजस्थान के हर समाज के लिए काम कर रही है सरकार, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए सभी का धन्यवाद। तो यहाँ पर अपना आभार व्यक्त करते हुए सीएम नजर आए हैं। बता दें कार्यक्रम में सीएम भजनलाल मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए हैं और यहाँ पर संबोधन देते हुए भी नजर आए। यहाँ पर अहम बातें राजस्थान से जुड़ी, राजस्थान के विकास से जुड़ी सीएम भजनलाल ने अपने संबोधन में जोड़ी हैं, जहाँ पर हमारी मेहनत को यहाँ पर भगवान फल जरूर देगा। सीएम भजनलाल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे स्किल के माध्यम से अपना काम भी करना सिखाएं, जिससे आने वाले समय में वो नौकर नहीं उनकी भूमिका मालिक की हो, उनकी भूमिका मालिक की हो, ये काम भी हमें करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत देश और प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं पढ़ाई के खर्च का भी सरकार हमारी वहन करेगी। जो ऐसे छात्र हैं उनको भी हम विदेश भेजने का काम करेंगे। युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर दो साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख युवाओं को हम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भी आगे प्रशिक्षण देंगे। नई तकनीकी में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर स्थापित किया जाएगा। अगले 5 साल में हमने कहा है, हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारी प्राइवेट नौकरियां होंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमारे राजस्थान के भविष्य के लिए, ऐसी उन प्रतिभाओं के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है, और उस कामना के साथ साथ मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आप आइए, आकर के अपने इस कौशल को दिखाइए, अपना जो आप जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा राजस्थान के उन युवाओं को मिलेगा। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा, मैं दिल की गहराइयों से मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथि और मैं सभी आयोजक जो है माननीय प्रीति चंद जी और उनकी टीम को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें आप सभी को मेरे को प्रीति चंद जी ने बताया है, अरे अच्छे काम के लिए हमेशा हमारी सरकार बिल्कुल तैयार रहती है। आपने 2 हॉस्टलों की बात की है कि आपकी फाइल चल रही है, आप करते जाइए, अच्छे काम के लिए हमारी सरकार आपके साथ है, आपकी जो फाइल चल रही है उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। और मैंने कहा है राजस्थान का कोई भी समाज आकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए वो अगर अपना हॉस्टल बनाना चाहता है, आइए बनाइए, हमारी सरकार उनको निःशुल्क जमीन देने का काम करेगी और हॉस्टल बना करके, क्योंकि हमारे प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह से आगे आ सकते हैं, हम उसमें किसी भी तरह की
और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।